किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी के हाथ नहीं होते, जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल सतरंग ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 8 फरवरी दिन सोमवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज सोमवार है, भोलेनाथ बाबा का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, भोलेनाथ बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आय के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि बच्चों के मामलों में माता पिता को ध्यान में रखनी चाहिए, जरूरी बात। दोस्तों चाणक्य की चाणक्य नीति बच्चों की देखभाल कैसे की जाए इस पर भी प्रकाश डालती है। उम्र बढ़ने के साथ बच्चों के साथ माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों चाणक्य एक कुशल अर्थशास्त्र होने के साथ साथ एक योग्य शिक्षक भी थे। चाणक्य की मूल पहचान एक शिक्षक के रूप में ही की जाती है। चाणक्य का संबंध विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा ग्रहण की थी और बाद में चाणक्य इसी विश्वविद्यालय में आचार्य बने। और दोस्तों चाणक्य की चाणक्य नीति मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है, यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं। चाणक्य नीति की शिक्षाओं को जो व्यक्ति जीवन में आत्मसात कर लेता है वह कई प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य की बताई हुई बातें व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। बच्चों के मामले में चाणक्य ने बहुत ही जरूरी बातें बताई हैं जिन्हें हर माता पिता को ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर एक, बच्चों के साथ मधुर संबंध स्थापित करें। चाणक्य के अनुसार जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और वे किशोरावस्था में प्रवेश करने लगते हैं तो माता पिता को सतर्क हो जाना चाहिए और अपने बर्ताव में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। किशोरावस्था में बच्चों के साथ अभिभावकों को मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में बच्चों की मनोदशा में बदलाव होना आरंभ हो जाता है। किशोरावस्था में बच्चे का मस्तिष्क विकसित होने लगता है और अपने आसपास की चीजों को लेकर संवेदनशील होने लगता है और उन पर अपनी राय भी बनाने लगते हैं। नंबर दो, बच्चों को डांटे नहीं प्रेम से समझाएं। चाणक्य के अनुसार किशोरावस्था में बच्चों को प्रेम से समझाने की जरूरत होती है। किसी प्रकार का दबाव ना बनाएं, ऐसा करना कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। बच्चों को इस उम्र में हर चीज के लिए टोके ना, अगर वे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उन्हें विनम्रता से समझाएं और उन्हें अच्छे और बुरे प्रभाव के बारे में बताएं। नंबर तीन, बच्चों से संवाद करें। चाणक्य के अनुसार बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो माता पिता के बीच संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। माता पिता को बच्चों को संवाद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे के भीतर स्वयं सीखने की प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। इस दौरान बच्चों के साथ दोस्तों की तरह पेश आना चाहिए ताकि वे गलत दिशा की ओर अग्रसर ना हो सके। दोस्तों आय का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आय के पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 8 फरवरी 2021 दिन सोमवार। आय की तिथि है द्वादशी तिथि। आय का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। ऋतु चल रहा है शिशिर ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है दोपहर 12:13 से 12:57 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है दोपहर 12:57 से 3:53 तक रहेगा। दोस्तों आज कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 3। अब बात करते हैं दोस्तों आज कन्या राशि वाले के बारे में कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आप बाहर घूमना फिरना पार्टी और मौज मस्ती आपको अच्छी मूड में रखेंगे। आज बिना किसी की मदद के आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। शाम के समय कुछ हंसी खुशी भरा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे सपने देगा। दिन की शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लवरेज महसूस करेंगे। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और आप हर काम में अव्वल रहेंगे। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन को असली स्वाद चख सकते हैं। समय आपके लिए बेहतरीन वातावरण लेकर आने वाला है। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता को पहचाने। घर तथा समाज में आपकी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है। आपकी तरक्की को देखकर कुछ लोगों में जलन की भावना भी आ सकती है, परंतु इन सभी बातों को नजरअंदाज करके आप अपने स्वभाव में सहजता व मधुरता कायम रखें। किसी मित्र के साथ की वाद विवाद की स्थिति भी बन रही है। मीडिया तथा ऑनलाइन कामों से जुड़े बिजनेस सफल रहेंगे, परंतु अन्य व्यवसायिक गतिविधियां कुछ धीमी रहेंगी। नौकरी पैसा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से घर में ऑफिस का काम करना पड़ सकता है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा व मधुर रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्ति से व्यवहार करते समय ध्यान रखें कि आपके मान सम्मान में कमी ना आए। कब्ज व गैस की वजह से परेशान रहेंगे। व्यवस्थित दिनचर्या रखें तथा सपुच्छ आहार लें।
घर परिवार में लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं, आपका प्यार आपसे दूर जा सकता है, समय तथा तालमेल की कमी, वाद विवाद और शत्रुता का रूप ले सकती है, वैवाहिक सुख का अभाव होगा, परिस्थितियां कठिन हो सकती है, गलत फहमी होने की संभावनाएं, कार्यस्थल पर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, कोई सकारात्मक काम नहीं हो पाएगा। अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपकी हालत बहुत ही खराब रहने वाली है, अशांत और न्यून रोग प्रतिरोधक शक्ति से आप परेशान रह सकते हैं, आप वित्त संबंधी समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, आप काफी सुस्त और कमजोर महसूस करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको निराशा और परेशानी का अनुभव होगा, आपके आत्मविश्वास के स्तर में कमी आएगी, यात्रा के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, आपको दुर्घटना या समय और धन के व्यर्थ व्यय का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित ही आज का दिन आपके लिए सबसे अधिक अशुभ दिनों में से एक है, आप ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि आपका कोई दोष ना होते हुए भी आपको सजा भुगतनी पड़ रही है। घर में लंबे समय से चले आ रहे मनमुटाव का आज कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा, फिटनेस के लिए मेहनत करना शुरू कर सकते हैं, आज घर में कुछ खास समारोह रखे जाने की संभावना है, प्रेमी के साथ खास पल बिता सकते हैं, आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आप वर्चस्व और प्रभाव जमा सकेंगे और दोस्तों भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल में आपका कार्य सरलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। आज दूसरों के साथ किया व्यवहार काम बनाएगा, आज आपके हाथों से पैसा कभी काफी खर्च होगा, जीवन में सब कुछ सुलझता हुआ दिखाई देगा, सामाजिक कार्यों में आज सबकी सलाह से सफलता मिल जाएगी, बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करें, आय के स्रोत बढ़ेंगे, आप एक दूसरे को समझने में कोशिश करेंगे, पैसे कमाने और सेविंग बढ़ाने के लिए आप ज्यादा मेहनत करेंगे और सफल भी हो सकते हैं, पारिवारिक संसाधनों में बढ़ोतरी की संभावना है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इस माह महंगे घरेलू सामान खरीदने से आपका खर्च भी बढ़ सकता है, सितारों की चाल कहती है कि अपने प्रेम जीवन को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि कुछ विवादों की संभावना बन रही है, इसलिए अपने प्रेम जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश करें। तनाव और चिंता की वजह से आपकी मानसिक शांति भंग हो सकती है, खास कामों में गलती भी हो सकती है, जॉब स्विच करने का मन बना सकते हैं, नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे, जातक जो सौंदर्य प्रसाधन कलात्मक वस्तु जेवर और सर्व सुविधा युक्त संसाधनों का व्यवसाय करते हैं उनके लिए समय बेहद ही अनुकूल है, व्यर्थ के कार्यों में अपना समय बर्बाद ना करें, वाहन के रखरखाव में धन खर्च होगा, जिद्दी स्वभाव के कारण प्रियजन नाराज होंगे, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा, प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है, आज आपकी आमदनी तो होगी पर उस आमदनी के समानांतर खर्च भी होंगे, आज आप खासकर निराशावादी व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें, अगर आपके मस्तिष्क कोई नकारात्मक सोच आ रही है तो आंख बंद करके मन ही मन राम का नाम 11 बार लेकर उनकी छवि अपने मस्तिष्क में लाएं, अगर आपको आंखों की तकलीफ हो सकती है तो आज का ग्रह योग आंखों से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, समय आपके लिए बेहतरीन वातावरण लेकर आने वाला है, अपनी कार्य क्षमता और योग्यता को पहचानें, घर तथा समाज में आपकी विशेष रूप से प्राथमिकता रहेगी, परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बन सकता है, आपकी तरक्की की देखकर कुछ लोगों में जलन की भावना आ सकती है, परंतु इन सभी बातों को नजरअंदाज करके आप अपने स्वभाव में सहजता व मधुरता कायम रखें, किसी मित्र के साथ की गई बात विवाद की स्थिति भी बन सकती है, मीडिया तथा ऑनलाइन कामों में जुड़े बिजनेस सफल होंगे परंतु अन्य व्यवसायिक गतिविधियां कुछ धीमी चल सकती है, नौकरी पैसा व्यक्ति को काम की अधिकता की वजह से घर में ऑफिस का काम करना पड़ सकता है, पारिवारिक माहौल खुशनुमा व मधुर बना रहेगा, विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय ध्यान रखें कि आपके मान सम्मान में कभी कमी ना आए, कब्ज व गैस की वजह से परेशान रह सकते हैं, व्यवस्थित दिनचर्या रखें, यदि आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो ये दिन आपको बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपको अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी, आपका बिजनेस भी प्रॉफिट प्रदान करने में सफल रहेगा जिससे आपको सकारात्मक बदलाव अपनी आर्थिक स्थिति में देखने को मिल सकता है, आपको धन का निवेश करने से भी अच्छा फायदा मिलेगा और यदि आप अपना पैसा सही जगह निवेश करते हैं तो दीर्घकालीन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, और दोस्तों दिन के उत्तरार्ध अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है इसलिए शुरुआत में जितना फायदा उठा सकते हैं उठाएं और अपने धन का सदुपयोग करके उसे सही जगह पर लगा दें ताकि आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, यदि आपकी संतान व्यस्क है तो इस दिन के उत्तरार्ध में वे आपको आर्थिक रूप से कुछ धन प्रदान करेंगे जो उनका स्नेह के रूप में प्रदान किया गया धन होगा, इससे भी आपके आर्थिक स्थिति पर समुचित और सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो दोस्तों ये था आएगा कन्या राशि वालों का राशिफल, दोस्तों आज सोमवार है, भोलेनाथ बाबा का दिन है, दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से भोलेनाथ बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो भोलेनाथ बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, दोस्तों रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, दोस्तों ये आएगा राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।